देखिए मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ, क्यों आर्टिस्ट पकड़े जाते हैं, क्यों किसी मंत्री का बेटा नहीं पकड़ा जाता, क्यों और भी तो पूरे देश में बहुत सारे लोग सिर्फ आर्टिस्ट लेते हैं क्या? देखिए मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड में कोई ड्रग का मामला है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। सडनली छापे मारे जाते हैं, ड्रग मिलता है, तो मतलब ये कोई टीप दे रहा है, कोई फ़ोन कर रहा है, क्या कर रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता। देखिए मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ, क्यों आर्टिस्ट पकड़े जाते हैं, क्यों किसी मंत्री का बेटा नहीं पकड़ा जाता, क्यों और भी तो पूरे देश में बहुत सारे लोग सिर्फ आर्टिस्ट लेते हैं क्या, और कोई क्यों नहीं पकड़ा जाता, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा ये फंडा। बट ठीक है, अगर भारती जी के केस के साथ ऐसा हुआ था, मुझे तो पहली बात यकीन ही नहीं है कि भारती जी के साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि भारती एक बहुत इंडिया के टॉप नंबर वन कॉमेडियन है और उनकी रिस्पेक्ट है। और जब मैंने न्यूज़ सुनी थी तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि हर्ष और भारती मेरे बहुत अच्छे घर के रिलेशन है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मुझे लगता है ये किसी का षड्यंत्र है, मैं आपको सच कहती हूँ, ये किसी का षड्यंत्र है, उनके घर में किसी ने रखा है चुपचाप, बार पीछे से फ़ोन कर दिया है। ये षड्यंत्र है और उन्होंने कबूल किया है, तो कैसे कबूल किया है मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है एनसीबी वो हाँ जो हमारी एजेंसी एनसीबी वो अच्छा काम कर रही है। और मैं तो कहती हूँ सबको एक एक को नार्को टेस्ट करो और सबका ब्लड चेक करो, जैसे कोरोना का चेक हो गया वैसे मुझे लगता है कि विनाशकाल दिखाओ। हाँ सबको विनाशकाल, सबको विनाशकाल दिखाओ और सबको मतलब कि कोरोना टेस्ट जैसे लीगल हो गया वैसे सबका ब्लड चेक करो, तो पूरे सबके ब्लड में डेफिनेटली ड्रग्स निकलेगा ही निकलेगा। फिल्म के बारे में पूछो भाई, फिल्म के बारे में और कोई पूछना चाह रहा है? एजाज को बुला लो। एक्चुअली ये बहुत दुख हो रहा है कहने के कि फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ किसी का षड्यंत्र है या ड्रग को लेकर, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों किसी मंत्री का बेटा नहीं पकड़ा जाता, बहुत गलत बात है ये। नहीं बोला फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ। नहीं मैं समीर को अच्छा भाई मेरे को तो नहीं पकड़ेंगे, मैं तो कभी नहीं करती बाबा, मैं तो हाय नूपुर भाई मैं तो कभी नहीं करती भाई, मैं तो कभी नहीं करती, छोड़ना ये बात ही मत कर, मैं तो खुद सुनना, मैं खुद एक जिंदा ड्रग हूँ। ये तो सही हिल्स पहन के आई है, मैं तो दिखी नहीं रही हूँ। अच्छा तुम यहाँ पे खड़े हो जाओ, क्या करोगे बीच में? हेलो चलो हाँ, ये मैंने राखी के साथ पहली फिल्म भी मेरी पत, मैं शरद कपूर हैदर काजमी शिवराम यादव की फिल्म थी, काफी फिल्में करी हमने। हाँ हमने साथ में बहुत काम किया है, राकेश भाई है मेरा, उसने फोन किया, गाना भेजा, बहुत अच्छा गाना था, राखी थी साथ में, तो गाना देखा ही तूने कैसा गाना है, कर दिया मैंने और बहुत अच्छे शूट हुआ है। कोरोना काल में आप लोग